देवास जिले की बागली तहसील में हाट पिपलिया में गरमाया चुनावी माहौल। मनोज चौधरी को जिताने ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दोनों नए मंत्री सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ली कोर कमेटी की बैठक। पूर्व विधायक जीतू जिराती और पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी भी पहुंचे बैठक में। हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रबंधन एवं संचालन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हाट पिपलिया में रखी गई, जिसमें सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, पूर्व विधायक जीतू जिराती, देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक मनोज चौधरी, पूर्व मंत्री दीपक जोशी, पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष राय सिंह सिंघव, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और नेता उपस्थित थे। बागली से संवाददाता की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रबंध समिति की और चुनाव संचालन समिति की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में आज आना हुआ। हमारे मित्र मध्य प्रदेश सांसद में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री शिक्षा के आदरणीय इंद्र सिंह परमार जी, मनोज भाई, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, सभी लोग के बीच में संवाद हुआ। वास्तव में जनता की कृपा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्तंभ पिलर जो हो गए थे, जनता की कृपा से, भारतीय जनता पार्टी के अथक परिश्रम से शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया महाराज के चेहरे पर 100% चुनाव जीत के आएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने इससे बाद में एक शब्द कहा था, एक कैडर बेस मॉस ऑर्गेनाइजेशन है, एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। इसलिए जो कार्यकर्ता पहले दीपक जी के साथ लगे थे, उससे दुगनी तिगनी पांच गुनी ताकत से मनोज भाई के साथ लगेंगे और हम जैसे कार्यकर्ता मनोज भाई की जय करते हुए बूथ बूथ गली गली हिम्मत के साथ इस नौजवान को जितना पिछले बार जीते थे, जब परमपिता परमात्मा रूपी जनता की कृपा से अपन मतों से जिताते लाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। 25 विधानसभा को चुनाव है तो ऐसे 25 विधानसभा के चुनाव में सभी जगह एक प्रबंध समिति, मैनेजमेंट कमेटी, संचालन समिति, हर जगह इस प्रकार का संवाद हो रहा है, जिसको कहेंगे कि पूर्व एडवांस प्लानिंग इन डिटेल प्लानिंग, पूर्व योजना पूर्ण योजना। तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर लगातार पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।